हेलो स्टूडेंट, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्रोमोप्लास्ट है। तो क्रोमोप्लास्ट आपको पता है कि कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। कौन से प्लास्टिड होंगे? कलर्ड प्लास्टिड होंगे और ये फ्लावर के कलर्ड पार्ट्स में प्रेजेंट होंगे। ऐसे कलर्ड पार्ट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पेटल्स कहते हैं। एक्चुअली आपको पेटल्स पता है? नहीं पता होगा तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पेटल्स क्या होते हैं। एक्चुअली हमारा ये मान लीजिए ये फ्लावर है और ये फ्लावर्स में क्या होते हैं, इसके पंखुड़ी हम लोग बोलते हैं करोला। करोला को हम लोग क्या बोलते हैं? पेटल्स। तो हमारा जो है ये पेटल्स है। क्या नाम होगा इसका? पेटल्स है। अब इस पेटल का जो रंग है वो किस कलर का होगा? रेड कलर हो सकता है, येलो कलर हो सकता है। तो ये किसके थ्रू होता है? तो ये हमारा जो होगा किसके थ्रू होगा? क्रोमोप्लास्ट के थ्रू होगा, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट के अंदर ही हमारे डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं? तो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं जो हमारे फ्लावर को कलर देते हैं, फ्लावर के पेटल्स को कलर देते हैं। और एक्चुअली जो हमारा क्रोमोप्लास्ट होता है वो किस में प्रेजेंट होगा? तो हमारा फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है। क्रोमोप्लास्ट को बात किया जाए तो क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? हमारा स्ट्रोमा लैमिना ऑब्सेंट होता है। क्या ऑब्सेंट होगा? स्ट्रोमा लैमिना। ये आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है तो आप नोट कर लेंगे। स्ट्रोमा लैमिना इसमें क्या होगा, यहाँ लिख देते हैं स्ट्रोमा लैमिना ऑब्सेंट। क्या ऑब्सेंट होगा? स्ट्रोमा लैमिना इसमें ऑब्सेंट होगा। और इसका शेप जो होता है आपको पता ही है कि शेप जो होगा एलांगेटेड होगा, बाइलोब्ड होते हैं। और कैसा होगा? तो और आप देख लेंगे एंगुलर होगा और हमारा लोब्ड होंगे। लोब्ड आप समझ रहे हैं, लोब्ड पे ये होंगे। अब इनकी बात किया जाए तो हमारा जो क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होंगे वो बैक्टीरिया और एंगल में डिफरेंट टाइप्स के प्रेजेंट होंगे। तो डिफरेंट टाइप्स में क्या? पिगमेंट प्रेजेंट होंगे जिसके थ्रू ये जो होते हैं डिफरेंट टाइप्स के हमारे होते हैं। फर्स्ट की अगर बात किया जाए तो फर्स्ट जो होगा हमारा फ्यूप्लास्ट। फ्यूप्लास्ट का जो कलर जो होता है वो ब्राउन कलर होगा। कैसा कलर होगा? ब्राउन होगा। और ब्राउन कलर जो होता है किसके थ्रू आता है? तो एज ए पिगमेंट के थ्रू आएगा। तो उस पिगमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? देखिए यहाँ पे ब्राउन कलर है और इस ब्राउन कलर का जो हमारा पिगमेंट है उसका क्या नाम होता है? तो फ्यूकोजेंथिन। क्या नाम है? फ्यूकोजेंथिन। आप इस पॉइंट को नोट कर लेंगे। क्या नाम है उसका? फ्यूकोजेंथिन, जिसके द्वारा हमारा क्या होगा, इसका कलर जो होंगे ब्राउन होंगे। प्रेजेंट किस पे होते हैं? तो प्रेजेंट हमारा जो होगा वो ब्राउन एल्गी में प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट सेकेंड जो होता है वो रोडोप्लास्ट। रोडोप्लास्ट जो होगा वो रेड एल्गी में प्रेजेंट होगा। किसमें प्रेजेंट होगा? रेड एल्गी में प्रेजेंट होता है, जिसका रंग जो होगा वो रेड कलर का होगा। और रेड कलर जो होगा किसके थ्रू होता है? तो ऐसे पिगमेंट क्या नाम होता है? तो ऐसे पिगमेंट क्या नाम होगा इसका? आर फाइकोएरेथ्रिन। और एक और भी नाम देते हैं फाइकोसाइनिन। फाइकोसाइनिन के थ्रू जो होगा इसका रंग जो होगा वो कैसा होगा? रेड कलर का होगा। और इसलिए हमारे किसने पाया जाएगा? रोडोफाइसी वर्ग के एल्गी में प्रेजेंट होगा। रोडोफाइसी एल्गी के जो हमारे एल्गी होंगे, आपको पता है कि लिस्मानिया जो है और लिस्मानिया, इन सब में क्या होता है हमारा कि वो रेड पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसके जिसके थ्रू उनका कलर जो होगा कैसा होगा? तो रेड कलर होगा। नेक्स्ट हमारा जो होता है वो ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर। ब्लू ग्रीन क्रोमेटोफोर आपको पता ही है कि ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होगा। और इसका जो हमारा जो पिगमेंट जो है वो कैसा है, क्या नाम है उसका? उसका जो पिगमेंट है उसको क्या नाम कहते हैं? तो फाइकोएरेथ्रिन। क्या नाम देंगे? फाइकोएरेथ्रिन। ये पिगमेंट है जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होगा। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग क्या नाम देते हैं? साइनो बैक्टीरिया। आप याद रखिएगा साइनो बैक्टीरिया। तो उसका जो कलर ब्लू कलर जो होगा, ब्लू ग्रीन कलर जो होता है किसके थ्रू होगा? तो हमारा फाइकोएरेथ्रिन पिगमेंट के थ्रू इसका कलर जो होगा वो कैसा होगा? ब्लू ग्रीन होगा। नेक्स्ट हमारा जो है लास्ट है, चौथा है उसको बोलते हैं क्रोमेटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ये क्या होता है हमारा? वायलेट एंड नॉन वायलेट बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। मीन्स वायलेट एंड नॉन वायलेट फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे। बैक्टीरिया में जो होगा एक स्पेसिफिक पिगमेंट प्रेजेंट होगा, जिसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलेंगे? बैक्टीरियो क्लोरोफिल्स कहते हैं। तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल की बात किया जाए तो यहाँ पे जो हमारा जो है इसका कलर जो होगा वायलेट एंड रेड कलर जो होगा वो कैरोटीनॉइड के थ्रू होगा। और जो हमारा नेक्स्ट है बैक्टीरियो क्लोरोफिल, ये हमारा प्लांट के क्लोरोफिल से क्या होता है? डिफर होता है। क्या क्या होगा? प्लांट के क्रोमोसोम से क्लोरोफिल से डिफर होता है। अब इसका जो हमारा अगर कहा जाए तो स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर जो है मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखिए ये हम आपको फिगर बना रहे हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है
वो क्रोमोप्लास्ट का फिगर है, स्ट्रक्चर है, आप ध्यान से देख लीजिए। क्रोमोप्लास्ट के स्ट्रक्चर्स को थोड़ा हम लोग क्लियरली देखेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोब निकाल रहे हैं जिसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। देखिए बहुत खूबसूरत फिगर बनता है। ठीक है, अब इनको पॉइंट्स को इससे हम जोड़ देंगे। देखिए फिगर हमारा कंप्लीट हो गया है। इस पार्ट्स को हम लोग बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे? सेल वॉल। सेल वॉल जो होगा आपको पता ही है कि सेल वॉल जो होगा इसका आउटर मोस्ट लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है जिसको प्रोटेक्ट करता है, और मेड अप ऑफ द सेलुलोज। किसका बना होगा? सेलुलोज का बना होगा। यहाँ पे देखिए हमारे जो है इसके अंदर बहुत सारे ऐसे डाटा स्ट्रक्चर्स होंगे। देखिए इस पार्ट्स को हम जो होता है उसको क्या बोला जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? क्रोमोप्लास्ट। क्या नाम देंगे? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और इसके सेंटर में जो होता है हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। अब यहाँ पे क्या होता है? लिक्विड टाइप मटेरियल फील होगा जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? साइटोप्लास्ट कहते हैं। क्या नाम देंगे? साइटोप्लास्ट कहेंगे। अब देखिए ये हमारे जो क्रोमोप्लास्ट है वो क्या करेगा? साइटोप्लास्ट में जो होता है वो अपना एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट पे क्या होगा? ये अरेंज होगा। देखिए इसके अरेंजमेंट को कितनी अच्छी इसके अरेंजमेंट है जिसके थ्रू इसका जो हमारा जो है इसके अंदर बहुत सारे हमारे पिगमेंट प्रेजेंट होंगे। एक्चुअली हम जो है ये आपको बनाए हैं तो क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाया गया है जो हमारे एक एल्गी में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एल्गी का हमारा जो स्ट्रक्चर जो होगा उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। इसको आप लोग राइट कर लीजिएगा।